वेलकम टू मिर्ज़ाज़ एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2। 1.1 इससे पहले मैंने वीडियो डाल दी है, अगर आपको अब तक नहीं मिली है तो आप मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। अब हम करेंगे 1.2 का पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में पहले हम देखेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो हमारे 1 से डिवाइड होते हैं या फिर ओनली अपने ही टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। मीन्स जैसे कि इसकी डेफिनेशन है, दीज नंबर आर ग्रेटर देन 1 एंड ओनली फैक्टर्स आर 1 एंड इटसेल्फ। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो ग्रेटर देन होते हैं 1 के, या फिर सिर्फ वो उसके फैक्टर जो निकलेंगे वो 1 हो, या सिर्फ वही टेबल हो जिससे उन्हें बोला गया है। जैसे कि हमारे नंबर होते हैं 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7 एक्सेट्रा। 0 तो होगा ही नहीं क्योंकि ग्रेटर देन 1 है। 1 किस में आता है? 1 अपने ही टेबल में आता है बस। 2 अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। 3 1 के टेबल में और अपने ही टेबल में। 4 हमारा जो होता है वो 2 के टेबल में भी आता है और 1 के टेबल में भी आता है और अपने टेबल में भी आता है, तो 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। 5 अपने टेबल में भी आता है और 1 के टेबल में भी। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं या फिर 1 के टेबल में आते हैं और जो ग्रेटर देन होते हैं 1 के। फिर इसमें आता है हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन, दीज नंबर्स हैविंग फैक्टर मोर देन 2। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो हमारे नंबर 2-1 से ज़्यादा हमारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि हम इसमें देखेंगे 4 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में, 4 के टेबल में। 6 1 के टेबल में आते हैं, 2 के, 3 और 6। जिनका फैक्टर 2 और मोर देन होते हैं वो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं, जो सिर्फ अपने ही टेबल या 1 से डिवाइड होते हैं वो हमारे प्राइम नंबर होते हैं। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब हम करेंगे थ्योरम 1.2, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। मतलब इसमें हमें देखेंगे कि कंपोजिट नंबर को हम प्राइम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। स्टेटमेंट, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिप्रेजेंट एज द प्रोडक्ट और इट्स प्राइम नंबर। हम कोई भी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट या प्राइम नंबर में ही करते हैं। ये समझ लो कि प्राइम नंबर ही कंपोजिट नंबर से बना है और कंपोजिट नंबर ही प्राइम नंबर से बना है। तो हम कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर में प्रोडक्ट करते हैं। कैसे? जैसे हमें कोई भी डिजिट दे दी 120, सपोज कर लो 120। अगर हम 120 के एलसीएम निकालेंगे, 120 2 6 टाइम पर आता है। पहले हम सबसे छोटी से छोटी डिजिट से हम एलसीएम स्टार्ट करते हैं। अगर हमारा ये से डिवाइड नहीं होता तो हम उससे बड़ी डिजिट लेते हैं, फिर उससे बड़ी। 2 के टेबल में 6, 2 6 या 12, 0 का 0। सिर्फ 0 ही हम एज इट इज उतार सकते हैं और कोई डिजिट नहीं। 2 3 जा 6, 0 का 0। 2 1 जा 2, 3 में से 2 गए 1, ये बन गया 10। 2 5 जा 10। 15 2 के टेबल में नहीं आता तो हम 3 से करेंगे, 3 5 जा 15। 5 1 जा 5। ये हमारा हो गया इसका 2 × 2 × 2 × 3 × 5। मीन्स हमने कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट और प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर दिया।
तो हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर हो गया। इसको हम फैक्टराइज भी कह सकते हैं। अब इसको लिखा फैक्टराइजेशन इज यूनिक, फैक्टराइजेशन हमारा ही निकल गया। इसको फैक्टराइजेशन यूनिक मतलब अब हम हमेशा 120 का एलसीएम ऐसे ही निकलेगा, आप चाहे किसी भी तरीके से निकालेंगे बट हमारे एलसीएम में जो नंबर्स आएंगे वो यही होंगे। ए पार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स, इनको हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। जैसे 120 को हम लिख सकते हैं 5 × 3 × 2 × 2 × 2, इस तरीके से लिख सकते हैं। ऑर्डर चेंज हो सकते हैं बट नंबर चेंज नहीं होंगे। हम एक एलसीएम और निकालते हैं 42 के, 2 × 2 = 1, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2। 21 नहीं आता 2 के टेबल में, 3 पे 3 7 टाइम्स में, 7 × 7। तो 42 का 2 × 3 ×7 हमने कंपोजिट नंबर का को प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर का प्राइम नंबर निकाल दिया। और अब इसको अगर हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। अगर हमारा एक बार हमारा जो एलसीएम निकल गई है प्राइम नंबर से फैक्टराइज हो चुका है, वो हमारा दोबारा चेंज नहीं होता, इस नंबर का हमेशा यही निकलेगा। तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर और फैक्टराइज निकालना यहाँ पे सीख लिया। ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 1.2। 1.2 एक्सरसाइज करने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको सबसे पहले मिल जाए। तो हमें नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। थैंक यू फॉर वॉचिंग।